मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के दतावली गांव से बड़ी खबर। पटाखा बनाने की सूचना पर एसडीएम सदर संदीप भागिया, सीओ सदर देहात ब्रजेश सिंह और भावनपुर थाना प्रभारी रघुराज सिंह ने दतावली में स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में छापे के दौरान अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों का भारी जखीरे के साथ ही लगभग एक दर्जन कार्टून बरामद हुए। जब कार्टूनों को खोलकर जांच टीम ने देखा तो उसमें पाया गया कि उसमें टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर है। केमिकल फैक्ट्री में क्लीनर और अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखे एवं अन्य केमिकल्स को छापामार टीम ने सील करते हुए अग्रिम कार्रवाई जारी रखी। टीम का नेतृत्व कर रहे एसडीएम सदर व सीओ सदर ने दी जानकारी में बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र निवासी दिलीप सिंह पुत्र जमुना दास, जिसने एक गोदाम में अवैध रूप से पटाखे व केमिकल बनाने के साथ ही टॉयलेट क्लीनर व हैंड वॉश आदि बनाने का कार्य कर रखा है, जिसमें कई दर्जन कार्टून मौके से बरामद किए गए हैं। सीओ सदर का कहना है कि पूरे बरामद माल को सील करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दो लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। आप देख रहे थे समता जीवन लाइव न्यूज़, एसएम न्यूज़। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ मैं मोहम्मद इमरान, एसएम न्यूज़ के लिए।